वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जी दीदी थोनू सूजी दे लड्डू बना के दिखाएंगे। ओदे लिए दीदी ने लिता है जी सूजी एक कटोरी मीठा अपना बूरा लिया जी, बूरा लिया जी, देसी खंड भी ले सकते हैं। हाँ जी, पिसे हुए बादाम, दाखा ते दूध ते देसी घी। हुण दीदी गैस बालणगे जी। जिहड़ा कढ़ाही विच पानी आपां चंगी तरह नाल सुका लांगे। कढ़ाही सुकण तों बाद जी आपां उहदे विच देसी घी पावांगे। आपां पावांगे घी जी थोड़ा क, अद्धा क चम्मच। मजी दे विच सूजी भुन्नी जावे, की गर्म होण तों बाद इहदी सूजी पाणगे उहदे विच। हुण जी आपां इहदे विच सूजी पा देंगे जी। आ चंगी तरह जी सूजी नूं भुन्न लांगे। दीदी ने देसी घी विच सूजी पा ली है जी। हुण दीदी चंगी तरह नाल भुन रहे ने। सूजी दे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंदे ने ते बहुत ही ज़्यादा सौखे होंदे ने बनाउण दे विच। कदे भी अपना मिठे नूं दिल करे आपां अपने घर दे विच बना के खा सकते हैं जी। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया साडी फैमिली मिठे दी बहुत ही शौकीन है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲੇ ਘੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਰਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੂਜੀ ਭੁੰਨਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸੂਜੀ ਤਾਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਜਲਦੀ ਭੁੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਸੂਜੀ ਨੂੰ। ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਜੀ ਕੱਚੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਭੁੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਡੂ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕੂਲਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੜਾਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲੱਡੂ ਸੂਜੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਝਟਪਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ। ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਲਓ ਦੀਦੀ, ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
अपन ने पाया जी बुरा, आप देसी खंड भी पा सकते हैं। हूँ अपन चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। हूँ जी आप पावे पिसे हुए बादाम। बादाम पा के अपन चंगी तरह इन्हें भी मिक्स कर लेंगे जी। बादाम हूँ पावा ये आप दुध, दुध आप थोड़ा ही पावे जिन्ना का अपन लोड़ है जी। अपने लड्डू बट जान इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो सोहना कलर लग रहा है ना दीदी, बहुत प्यारा कलर खाने से बहुत टेस्टी बहुत सोहना लग रहा है। बेसन के लड्डू होंगे हाँ जी। उदा हूँ आप पावे दाखा। हाँ जी आप इन्हू बट के दिखावे। दाखा पा के भी आप चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। इन थोड़ा जहाँ ठंडा हो जाने देंगे ना, वैसे तो ठंडा होया ही होया, वैसे थोड़ा जहा है ना। हूँ आप किसी भांडे च कढ़ लेंगे। चलो हम बट लें ना आप दीदी, है ना खड़े खड़े थक के बैठ के बटेंगे। हूँ आप रूम च आ गए हैं जी। हूँ आप इतने बैठ के लड्डू बटेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी सी। हूँ आप एसी वाले कमरे च बैठ के बटेंगे जी। आ देखो दीदी बटने भी शुरू हो गए। दीदी किन्ने आराम ना बट रहे ने, एसी जाके आराम आ गया दीदी नू। वो बाहर दीदी गर्मी दी चाल माल हो रहे सी क्योंकि जो कूलर लगाते सी तो फिर गैस नू हवा लगती सी। हाँ जी तो गैस नहीं चल रहा सीगा तो इस करके आप बंद करके कर रहे सीगे, बना रहे सीगे लड्डू बीच कूलर लगाया आपने। हाँ जी जब तक कूलर लगा लेंगे सी आरामदारी रही सी, उस तो बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी क्योंकि गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। ऐसा एसी की कूलिंग हुई पई है ना, बहुत वधिया लग रहा क्योंकि आप जल्दी बट रहे हैं जी। जी ठंडे हो गए फिर इन्हें बटना नहीं है। अपन ने शेप दोबारा तो बना देंगे हूँ, मतलब एक बार ये गोल बन जाए। तो बहुत सोहने बने ने खाने दे विच, एवें बहुत टेस्टी होने। ये जी खा के दसणगे भी लड्डू कहे जे बने ने। जीजा जी कह रहे ने बहुत ही टेस्टी बने ने, मीठा बिल्कुल सही है। ख्याल तो सारे लड्डू दीदी जीजा जी खिला देंगे, साडे लिए भी रख लियो दीदी। और बना लेंगे और की करेंगे। अच्छा जी और फैमिली भी बैठी है खाने नु, सही गल है बिल्कुल। दीदी कह रहे हैं ब्यूटी फैमिली लिए भी बनाए, तुम भी अपने घर के भी जरूर ट्राई करो जी। चलो ठीक है जी, उम्मीद करांगे थोनू साडी जीजा जी कह रहे ने बहुत ही टेस्टी ने। उम्मीद करांगे थोनू साडी वीडियो वधिया लगी होएगी। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, लाइक तो सबसक्राइब जरूर कर देना जी, शेयर वध तो वध करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।